प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते भाजपा के भी कई मंत्री नेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और लगातार अन्य भाजपा मंत्रियों के संक्रमित होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में मुरादाबाद के मूल निवासी पूर्व क्रिकेटर और कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान और पूर्व में एक महिला कैबिनेट मंत्री की कोरोना संक्रमित होने के बाद दुनिया छोड़ चुके हैं। एक बार फिर मुरादाबाद जनपद निवासी कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनका इलाज मेदांता में चल रहा है। मुरादाबाद के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना महामारी की चपेट में आए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी पंचायती राज कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह की तस्वीर के सामने रखकर यज्ञ व पूजन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं, जिनका इलाज मेदांता में चल रहा है और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना छजलैट के ग्राम महेंद्री के निवासी हैं। मुरादाबाद के भाजपा नेता और कार्यकर्ता उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शनिवार शाम को मुरादाबाद के मुंडा पांडे ब्लॉक के भाजपा ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक ने भाजपा कार्यकर्ताओं सहित कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह के जल्द स्वस्थ कामने के लिए यज्ञ व पूजन किया। सभी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यज्ञ में आहुति देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। साथ ही जल्द से जल्द इस महामारी से देश को निजात दिलाने की भी ईश्वर से कामना की। ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक ने कहा कि कैबिनेट मंत्री शीघ्र स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे और अपना कार्य शुरू करेंगे और उनके द्वारा हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। सर, ये जो हवन किया गया है कहाँ पर किया गया है और किस उपलक्ष्य में किया गया है? ये हवन आज मुरादाबाद में आर्य समाज पार्क में किया गया है। मंदिर आर्य समाज पार्क में किया गया है और मुरादाबाद के निवासी चौधरी भूपेंद्र सिंह, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो कोरोना संक्रमित हो गए थे तो उनके शीघ्र स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में किया गया है और भगवान से कामना की गई है कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और जो है अपना कार्य सुचारू रूप से करें। अच्छा, हरिद्वार से जल लाने की बात की मंत्री जी के स्वस्थ होने पे हम हरिद्वार से जल लाकर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करेंगे